हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करनी है कि 2024 में आपको यूके आना चाहिए या नहीं। तो भाई ब्रो स्लोली तो भाई कुछ ब्रो सो हार्ड मैन के दिन याद आ गए भाई। झोटा मार, झोटा जोर से, झोटा जोड़ते जोड़ते। यस ब्रो, हार्डर जोड़ते, दम लगा के ब्रो। तो भाई यूके 2024 में आपको आने के कुछ मतलब क्यों आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए ना। तो क्यों आना चाहिए, तो उसके पीछे रीज़न है कि आप यहाँ पे आएंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप अपनी इनकम को। फर्स्ट थिंग हम जो आते हैं यहाँ पे, तो पहला है कि पैसा। तो इंडिया से आप 4 गुना ज़्यादा पैसा कमाएंगे यहाँ पे आके। इंडिया में आप अगर 50,000 महीने कमाते हैं तो यहाँ पे 2 लाख मान लीजिए, नॉर्मल ना, खर्चा पानी निकाल के आप 1 लाख के आसपास सेव कर लेंगे। दूसरी चीज़ बेटर एनवायरनमेंट, ओके, लाइक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ओके, पीसफुल एनवायरनमेंट, बेटर ट्रांसपोर्टेशन और सब चीज़ टाइम पे, नो करप्शन, एवरीथिंग इज़ ऑन टाइम, नो करप्शन एंड व्हाट एल्स आई कैन टॉक। यू विल लर्न अ लॉट हियर, ओके। अपने काम से काम रखना, फालतू बकचोदी नहीं, बहनचोद है। और ये नहीं कि शाम को बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं 3-4 घंटे, कोई काम ही नहीं, यार ये नहीं हो रहा, मोदी ने वो कर दिया, बहनचोद कांग्रेस ऐसी, फलाना ऐसा। अरे भाई पैसा कमाना अपने हाथ में है ना, तुम सरकार वाली क्यों दे रहे हो, तुम सारे तुम निठल्ले बैठे बहनचोद। पूरा हिंदुस्तान मैं क्या बोलूँ यार, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपटीशन कितना है। एक सीट के लिए आपको इतना एग्ज़ाम, पेपर वर्क, वो सब होता है। यहाँ पे ये सब नहीं होता, सब प्राइवेटाइज है यहाँ पे, और इसीलिए बेटर सर्विस आपको मिलती है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि भाई NHS का काम बहुत गंदा है, वो सच में गंदा है, ठीक है, लेकिन आपको इमरजेंसी सुविधा भी मिलती है, ठीक है। और इंडिया में चीज़ें इसलिए अवेलेबल हैं इतनी इजीली क्योंकि हम उन चीज़ों का गलत यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मर नहीं रहा कि भाई कोई एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आई तो मर गया हो, मरा कोई भी नहीं है आज तक यहाँ पे। इंडिया में भले ही गाड़ियों में डिलीवरी हो जाए, ठीक है, एम्बुलेंस के अंदर डिलीवरी हो जाए, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर चीज़ का अपॉइंटमेंट होता है, टाइम से होता है सब चीज़ें। और मैं कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर भी नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ डीप में नहीं जा सकता बात करने के बारे में उसमें। तो ओवरऑल अगर वो NHS वाला हादसा हटा दें तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छा है, इंडिया से बेहतर है, ठीक है। और स्टैबिंग वगैरह की बात करते हैं तो इंडिया में नॉर्मल है, गोली चलना, चक्कू मारना, किसी को काटना, वो सब नॉर्मल है। तो हादसे किसी के साथ में भी हो सकते हैं, उन पे ना जाएं। तो पहली थिंग आप अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा एनवायरनमेंट है, ठीक है, अच्छी एजुकेशन भी है इंडिया से यहाँ पर, ठीक है। और ऑलमोस्ट अगर आप ब्रिटिश हैं तो आपको बहुत फ्री चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव है लेकिन कुछ बेनिफिट भी हैं, यहाँ के लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई यहाँ पे मर गया हो, बैंकक्रप्ट हो गया हो, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत आता है यहाँ पे, फिर भी वो उसको संभाल लेते हैं। और बात करते हैं कि आपको क्यों नहीं आना चाहिए, तो क्यों नहीं आना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हैं या नहीं है, ठीक है। सपोज़ कि आपने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया यहाँ पर आते आते, और यहाँ पे आपकी जॉब नहीं लगी तो लग गई, तो लग गए भाई, पक्का लग गए आपके, ठीक है, क्योंकि जॉब नहीं मिली, कर्जा है, ब्याज जाएगी उसकी, इंटरेस्ट, और घर नहीं मिलेगा, घर का बहुत एक्सपेंसिव है इधर, तो भाई बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस होगा, काम नहीं मिलेगा तो, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको बोलने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं जो आपसे गप्पे लड़ाएंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। आप कॉल करेंगे किसी को तो आधा घंटे 2 घंटे फ़ोन पे निकाल लेंगे। इमोशनली सपोर्ट बहुत मिलती है इंडिया में, ठीक है, स्पिरिचुअली सपोर्ट भी मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। यहाँ पे आप अकेले आ रहे हैं, अपने दम पे आ रहे हैं, तो सोच के आइए कि हाँ आप ये कर सकते हैं और आप कर पाएंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ आपका रेफरेंस कितना है, आपका रेफरेंस यहाँ पर नहीं है तो भाई बहुत हार्ड होने वाला आपके लिए जॉब ढूँढना। कहाँ पे इंडीड पे अपना CV डालते फिरेंगे, और रेफरेंस होता है तो तुरंत काम होता है, अगले दिन आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, आपका जॉब लग जाएगा। तो रेफरेंस कितना अच्छा है आपका, वो भी मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। आपकी अप्रोच कैसी है, तो यहाँ पे आप कितने लोगों को जानते हैं, सब ये चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे। अपने इंडिया में नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब में पैसा दे के जॉब में लगते हैं, यहाँ पे रेफरेंस से जॉब में लगते हैं। क्वालिटी है, सीवी है, वो तो अलग बात होगी, लेकिन रेफरेंस भी मैटर करता है। कहीं पे आपको ऊपर जाना है किसी वजह से, आपने कहीं से ऑपरेटिव से शुरू किया, कोई भी ऑपरेटिव जॉब से शुरू किया, सुपरवाइज़र मैनेजर जाने के लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। फिर आपकी अप्रोच कैसी है, वहाँ से फिर आपका काम देखते हैं, यहाँ पे सब होता है। यहाँ रिजर्वेशन तो है नहीं, किसी ने रिजर्वेशन ले रखा है भाई उसके 30% पे आ गया, मेरा 50 पे भी नहीं आ रहा, यहाँ रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे काम देखते हैं, बंदे का एक्सपीरियंस देखते हैं, उसके हिसाब से जॉब मिलता है, और अप्रोच के हिसाब से, रेफरेंस के हिसाब से। वो सब भी काम अच्छा नहीं कर रहे तो आपको जॉब से निकाल देंगे, वो नहीं सोचते दोबारा, ऐसा भी है यहाँ पर। और क्यों नहीं आना चाहिए आपको यहाँ पर, दूसरा हो गया कि भाई आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर फिज़िकल वर्क बहुत होता है, ठीक है, तो आप नहीं आइए। आपको थोड़ी छोटी बातों में बीमारी होती है, आप सरवाइव नहीं कर सकते। भाई मैं तो घर से अकेला नहीं रह सकता, घर से दूर नहीं रह सकता, ठंडी मुझ पर बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी मुझ पर बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ का वेदर बहुत गंदा है, तो वो आप नहीं सहन कर सकते, तो नहीं आइए। और अच्छी बात यह है कि जब आप अपना स्टडी पास करेंगे तो आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, आप वो कर सकते हैं, वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, वो हो गया। और डिपेंडेंट वीज़ा भी ओपन हो गए हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पहले अपना स्टडी कंप्लीट करना होगा, उसी के बाद में आप PSW या डिपेंडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपका स्टडी कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको स्टडी कंप्लीट करना पड़ेगा पहले। पहले क्या होता था, बच्चे आए स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा में स्विच कर लिया, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा है कि घर बार बेच के ना आए, थोड़ा पहले बैठ के सोचें कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बेस्तर पे तो कभी भी ना आए, 3-4 साल का बहुत बड़ा स्ट्रगल लाइफ हो जाता है, फिर वो ना आप कहीं के नहीं रहते, फिज़िकली तो आप डैमेज हो ही जाएंगे, मेंटली भी आप कहीं ना कहीं डैमेज हो ही जाते हैं, ठीक है, बस यही है। तो आना ना आना वो सब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, इजी इतना नहीं है यहाँ पे सर्वाइव करना। और बाहर की कंट्री में जाके सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत अच्छा तजुर्बा मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत अच्छे आपको जो है मौके मिलेंगे यहाँ पर ग्रो करने के लिए, ठीक है। और फूड भी यहाँ का अच्छा है, इंडिया से तो बहुत बेहतर चल रहा है फ़िलहाल में, पेस्टिसाइड बहुत है इंडिया में, ठीक है, तो वो भी थोड़ा मैटर करता है। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रही यहाँ की भी, लोग क्या है कि खुद घर पे नहीं बनाते, बाहर जाके खाते हैं, तो वहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम बोलेंगे, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इंडिया में जाके देखेंगे तो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं उन चीज़ों से, यहाँ के लोग थोड़ा अवेयर हो रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, हेल्दी लाइफ स्टाइल पर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया के लोगों ने तो नेक्स्ट लेवल चल रहा है, मोमोज़ में कुत्ते डाल रहे हैं, और क्या क्या डाल रहे हैं, बहनचोद आलू का मैदा बना रहे, मैदे का रबड़ी, कुछ भी बना देते हैं, शैम्पू से दूध बना रहे हैं, वो सब चीज़ें वो यहाँ पर नहीं होता कम से कम। तो गाइस थोड़ा सोच समझ के आए अगर आ रहे हैं तो 2024 में, ठीक है। और बस आएंगे तो ग्रो ही करेंगे, अगर आप सोच के आए हैं कि आपको गिव अप नहीं करना, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में, आपको कहाँ ले जाए कहाँ नहीं ले जाए। क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि जो भी मिलता है समय से मिलता है, समय से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। समय एक तरीके से महाकाल है भाई, तीसरी आंख खोल दी तो आपको भस्म कर देगा, ठीक है। पर आपको किसी के प्रेजेंट को देख के आप फ्यूचर को जज नहीं कर सकते कि फ्यूचर में तू ऐसा बनेगा, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आऊँगा और ऐसा कर पाऊँगा मैं, ठीक है। छोटी सी नौकरी करता था इंडिया में और खुश भी था, पर इनफ नहीं था वो, तो स्टैंड लेने पड़े, और यहाँ पर आया और ऊपर वाले ने पूरा साथ दिया, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। और बाकी तो आपने जितना जुनून है, जोश है, आप कर पाते हैं। थैंक यू गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बस ये समझ में आई होंगी, डीपली नहीं गया मैं, आपको रफली मैंने बताया, ओके गाइस। तो होप आप समझ पाएँ चीज़ों को, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लाके बता सकते हैं, और सपोर्ट करें प्लीज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं आप कैसा है कैसा नहीं है, ओके गाइस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।